हेलो डियर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आ चुके हो नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट किरचॉफ के नियम, मतलब किरचॉफ लॉ के बारे में हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट का, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, क्लास 12th की फिजिक्स का ये चैप्टर 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ओम का नियम है, ओम का नियम केवल सिंपल सर्किट के लिए होता है, मतलब सरल प्रपथों में ओम का नियम हम लगा सकते हैं, उसमें धारा ज्ञात कर सकते हैं कि किस खंड में कहाँ कितनी धारा बह रही है। विभवांतर पता हो तो, जैसे कि हमें विभवांतर पता है यहाँ से इस वायर का, यहाँ से यहाँ का विभवांतर पता है, इसका प्रतिरोध पता है, विभवांतर पता है, तो हम धारा पता कर सकते हैं। धारा बी बराबर आई आर होता तो हम आई बराबर बी अपॉन आर से धारा पता कर सकते हैं। लेकिन अगर परपथ जटिल हो, परपथ में सेल लगे हों बीच बीच में, और काफी चीज प्रतिरोधक लगे हों, और काफी चीज अगर लगी हो, तो फिर थोड़ा ये यहाँ पे ओम के नियम नहीं लागू हो पाते हैं। तो उससे इसके लिए किरचॉफ ने, वैज्ञानिक किरचॉफ ने दो नियम दिए, आज उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उनका पहला नियम क्या था, चलिए देखते हैं। पहला नियम क्या था? प्रथम नियम धारा नियम, असंधि नियम। पहले नियम को हम धारा का नियम भी कहते हैं और संधि का नियम भी कहते हैं। किसी वैद्युत प्रपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो कि ये 6 वायर हैं, ये आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे, 6 वायर हैं। यहाँ पर इस वाली बार से करंट आ रहा है, इस वाली से आ रहा है, और इस वाली से आ रहा है, इस वाली से जा रहा है, इस वाली से जा रहा है, और इस वाली से भी जा रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट पर, इस मिड पॉइंट पर जितनी भी धारा आएंगी उनका योग, और यहाँ से जितनी भी धारा जाएंगी उनका योग बराबर होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, मतलब चिन्ह सहित योग शून्य होगा। मतलब हम आने वाली को अगर पॉजिटिव लें और जाने वाली को अगर नेगेटिव लें, तो सभी का योग आएगा वो शून्य आएगा। यही किरचॉफ का पहला नियम है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, करंट लॉ और जंक्शन लॉ। इसी को करंट लॉ और जंक्शन लॉ भी कहते हैं। तो देखते हैं चलिए कैसे है ये। एक और चलो अपना डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लो कि ये एक पॉइंट है, एक बार ये है, यहाँ पर करंट आ रहा है 5 एम्पियर का, यहाँ पे आ रहा 10 एम्पियर का, 3 वायर है यहाँ पर, 3 एम्पियर का जा रहा, यहाँ से 3 एम्पियर का जा रहा, तो ये एक और वायर आपसे पूछ रहा है तो यहाँ से कितना जाएगा? आप बता सकते हैं कि यहाँ पर 10 आ रहा, 5 आ रहा, 15 आ रहा, और इन दो से मिलाकर 6 आ रहा, तो यहाँ पर कितना जा रहा होगा? 9 एम्पियर का करंट जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज आएगा, इस पॉइंट पर जो चार्ज आएगा वो यहाँ पे स्टोर नहीं होगा, कि यहाँ पर कोई बैटरी लगा है वो चार्ज हो जाएगा स्टोर। और यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता, आवेश संरक्षण फर्स्ट लॉ। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि मतलब रॉबर्ट किरचॉफ का पहला नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, आवेश संरक्षण। मतलब यहाँ पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, या फिर अगर हम आने वाले करंट को, यहाँ से नौ जाएगा, आने वाले करंट को पॉजिटिव मान लें और जाने वाले करंट को हम नेगेटिव मान लें, जाने वाले को नेगेटिव, तब इन सब का योग हमें शून्य होगा। हमें इनका सबका योग करेंगे तो हमें शून्य प्राप्त होगा। चलिए करते हैं। ये +5 है, -3, जा रहा है तो माइनस, आ रहा है तो +10, ये जा रहा है तो माइनस, और ये आ रहा है, जा रहा है तो -3। सबका देखेंगे तो हमें आएगा 0, 5, 10, 15 और 9, ये माइनस है, ये वाला भाई जा रहा है, ये जा रहा तू जा, 9, 3, 12, 3, 15,
अब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से 10 एम्पियर का धारा जा रहा है, बस 5 वायर लगी, 2 वायरों से एक से 10 आ रहा है, एक से 5 आ रहा, और 2 से 3 जा रहा है, इससे 10 जाने लगा, 16 एम्पियर हो जाएगा जाने वाला, आने वाला 15, ऐसा हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे नियम फेल हो जाएगा, सिद्धांत भी फेल हो जाएगा, फिर तुम्हें एक नया नियम अप्लाई करना पड़ेगा, वो खुद का बनाया बनाया हुआ, ऐसा गलत है। तो इसका मतलब मुइन मतलब क्या रहा कि सिग्मा आई एलजेब्रिक और एडिशन ऑफ करंट आई इज जीरो। सिग्मा आई का मतलब होता है चिन्ह सहित योग, मतलब ये चिन्ह एलजेब्रिक योग, एलजेब्रिक सम, इसे हमें चिन्ह भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा, तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही सरल रूल है ये वाला, और ये लगता है मेरे को फिजिक्स का सबसे सरल रूल है। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इससे। चलिए नेक्स्ट, सेकंड लॉ, वोल्टेज लॉ और लूप लॉ, मतलब लूप का नियम या वोल्टता का नियम। किसी वैद्युत प्रपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, इसमें भी बीजगणितीय योग मतलब एलजेब्रिक प्लस माइनस हमें कंसीडर करना होगा, संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य कर रहे समस्त वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। चलिए थोड़ी इसे हम अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लो कि ये लूप है, यहाँ पर ये दो लूप बन रहे हैं, एक लूप ये बन रहा है और एक लूप ये बन रहा है, यहाँ पे ये दो लूप बन रहे हैं। पहले लूप में देखते हैं, मतलब लूप फर्स्ट में देखते हैं, यहाँ पर कितने वैद्युत वाहक बल कार्य कर रहे हैं, मतलब ईएमएफ, कितने ईएमएफ काम कर रहे हैं, 2 ईएमएफ काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रतिरोध कितने हैं, एक प्रतिरोध है, एक दो, चलो हम इस नियम का मीन लिख रहे हैं। इस नियम का मतलब क्या है, इस नियम का मतलब है सिग्मा, अरे यार ये कौन सा सिग्मा लग गया, ये बड़ा खतरनाक बनाना पड़ता है, सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई, ई मीन्स ईएमएफ, मतलब कि कहते हैं विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, और यहाँ आईआर मतलब वोल्टेज। ये कह सकते हैं कि हम जो वोल्टेज उसमें प्रतिरोध धारा के कारण वोल्टेज होगा, जो वोल्टेज और जो सेल का वोल्टेज होगा उनका एलजेब्रिक योग मतलब एलजेब्रिक सम बराबर होगा। तो चलिए सर थोड़ी और डीपली देखते हैं, यहाँ पर इस पास में देखते हैं, पहले पास में यहाँ पर धारा बह रही आई है, हाँ इसमें थोड़ा निशान कन्वेंशन और थोड़ी देख लेते हैं, इसमें थोड़ा एक निशान कन्वेंशन है। अगर हम पास में इस तरफ जाते हैं, मतलब ऐसे जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, मतलब धारा की दिशा में जाते हैं, तो हमें जो ये आई और आर का ये क्रॉस है, मतलब आई और आर का प्रोडक्ट है, आई गुणा आर का प्रोडक्ट है, ये हमें पॉजिटिव आना लेना होगा, हमें यहाँ पे ये पॉजिटिव लेना होगा क्योंकि धारा की दिशा में हम जा रहे हैं ना। वैसे धारा एक सदिश राशि नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कन्वेंशन हमें फॉलो करना पड़ता है। तो ये सदिश, सदिश मान लो अगर हम किसी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जाते हैं, तो हमें ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं इस साइड में लिख दे रहा हूँ, ई में अगर हम माइनस से प्लस गए, तो हमें कम इस ई को हमें लेना होगा पॉजिटिव, अगर प्लस से माइनस गए तो हमें लेना होगा नेगेटिव, इतना तो आप समझ गए होंगे। और क्या है, अगर हम किसी प्रतिरोध और आई का अगर क्रॉ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम अगर धारा की दिशा में मानते हैं लूप को, इस दिशा में मानते हैं लूप को, तो हमें
इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और अगर हम इस लूप को इस दिशा में मानते हैं तो हमें इसका ये दो को गुणा है जो हमें निगेटिव लेना होगा। अगर आप इस दिशा में करके ऐसे करके लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके करते हैं सॉल्व तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो कि अगर हम ऐसे करेंगे तो ये वाला पॉजिटिव आ जाएगा, ये वाला भी पॉजिटिव आ जाएगा, ये वाला नेगेटिव आ जाएगा, ये वाला नेगेटिव आ जाएगा, ये वाला नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जाएंगे। ठीक है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पास में चाहे ऐसे जाएं चाहे ऐसे जाएं कोई दिक्कत नहीं है, जो आपकी मर्जी। तो अगर आई आई गुणा, अरे यार क्या लग रही है, आई गुणा आर बराबर प्लस एफ वी आर गोइंग अलोंग करंट डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन मतलब जिस दिशा में हमारा करंट फ्लो हो रहा है, जैसे इस दिशा में करंट फ्लो हो रहा है तो हम यहाँ पे जाएंगे तो उसका क्रॉस होगा, वो हमें पॉजिटिव लेना होगा, और अगर हम ऐसे जाएंगे तो हमें निगेटिव लेना होगा। तो चलिए इतना आप समझ गए हैं, अब हमें इसको थोड़ा और देखना है। हम इसे एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, सिग्मा वी इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये भी इसका एक दूसरा फॉर्म है और ये भी इसका एक फॉर्म है। चलिए पहले लूप में हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं पहले लूप के लिए। तो मैं इसको डायग्राम को थोड़ा कॉपी कर ले रहा हूँ, इस डायग्राम को थोड़ा कॉपी कर ले रहा हूँ, रुको, इसको हम ले चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए हाँ अब देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इस पहले पहले वाले पास में देखते हैं, यहाँ पर धारा कितनी बह रही है आई, इस वाली लाइन में कितनी धारा बह रही है आई, इसमें प्रतिरोध कितना है हमारा, मतलब है हमारा रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस इसका इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसका दोनों को मल्टीप्लाई लेंगे, आई वन आर वन, और फिर कहीं प्रतिरोध लगा देखें, चलो ऐसे गए हम ऐसे जाते गए, पहले प्रतिरोध प्रतिरोध देखें, हाँ एक और प्रतिरोध मिला हमें आर टू, लेकिन हम तो यहाँ पर है, ये धारा यहाँ पर कितनी है आई टू है, आर टू है, और ये प्रतिरोध आर टू धारा आई टू है, लेकिन हम यहाँ पर धारा यहाँ को जा रही है, हम यहाँ को जा रहे हैं तो हमें माइनस लेना होगा, तो चलो माइनस आई टू आर टू बराबर, अब इस दिशा में जा रहे थे इसी दिशा में जाना होगा हमें, हम इस ई एम एफ के नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं तो हमें ये पॉजिटिव लेना होगा, तो हम यहाँ पर लेंगे प्लस ई वन, फिर और आगे बढ़ते हुए हमें यहाँ पर एक और मिल गया, लेकिन हम इस बार पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो फिर हमें यहाँ पे निगेटिव लेना होगा, तो निगेटिव ई टू, यही इसका इक्वेशन है, मतलब यूनिवर्सल इक्वेशन की है बट इसका डिराइव्ड इक्वेशन है इस लूप के लिए। चल अब सेकंड के लिए देखते हैं, फर्स्ट लूप के लिए, चलो अब सेकंड लूप के लिए देखते हैं, में क्या है हम चलो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस हाँ एक बात और आपको बता रहा हूं, मैं अपने तरफ से बता रहा हूं, अगर हम ऐसे भी जा दे तो कोई दिक्कत नहीं होती, यानी कि सबके साइन बदल दो, साइन इनके सबके बदल जाएंगे, जो पॉजिटिव हो जाएगा वो निगेटिव, निगेटिव और अगर मैं -1 से गुणा भी कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई,
अगर दोनों तरफ माइनस वन से या प्लस वन से या माइनस वन से भाग भी दे दूं कोई दिक्कत नहीं है, तो आप समझ गए होंगे थोड़ी बहुत अगर मैथमेटिक्स आप जानते हैं तो। तो चलिए सेकंड वाले लूप में देखते हैं। इस लूप में पहले हमें धारा मिलेगी आई टू, प्रतिरोध आर टू, आई टू प्रतिरोध आर टू, फिर हम गए फिर प्रतिरोध ढूंढा, प्रतिरोध क्या मिला हमें, ये भाई मिला प्रतिरोध आर थ्री, प्रतिरोध आर थ्री मिला। इसकी संगत धारा कौन सी है, संगत धारा का ही गुणा करना भाई, इसका गुणा नहीं कर देना इस प्रतिरोध में, इस प्रतिरोध में इस आई का गुणा नहीं कर देना भाई, देखना कि उस लाइन में कितना धारा बह रहा है, मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा है, इतना करंट फ्लो हो रहा, तो हमें इस करंट का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक और नियम, अगर जैसे मान लो यहाँ पर करंट ना दिया गया हो तो हम किस करंट का गुणा करें, तो हम अभी अभी पढ़ा है ना फर्स्ट लॉ, उस लॉ को थोड़ा देखेंगे। यहाँ से धारा आई आ रहा है, यहाँ इस पॉइंट डी पॉइंट पर धारा आई आ रहा, इस पॉइंट पर भी आई बना रहा, इससे आई टू आ रहा, तो इस पर जाएगा कितना, दोनों का जोड़ होके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आवेश संरक्षण का नियम लगा है किरचॉफ का। पहले हम नियम लगा सकते हैं किरचॉफ का पहला नियम, तो यहाँ पर धारा हो जाएगी आई वन प्लस आई टू, प्रतिरोध कितना है ये आप देख रहे हैं, और हम प्रतिरोध धारी की दिशा में जा रहे हैं, तो इसको भी पॉजिटिव लेंगे, आई वन प्लस आई टू इंटू आर थ्री, अब बराबर, अब प्रतिरोध तो खत्म इस लाइन के, अब चलो ईएमएफ पे आ जाते हैं, सेल कितने लगे सेल चेक कर लियो। अब ऐसे हम गए तो हमें एक भी सेल नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, एक सेल मिला यहाँ पर। हम इस सेल में जा रहे हैं प्लस से माइनस से प्लस, तो हमें इसको भी प्लस लेना होगा, प्लस ई टू, ये दूसरे पास के लिए है, ये सेकंड लूप के लिए है, सेकंड लूप के लिए है, हाँ लूप को हिंदी में हम पास बोल देते हैं, तो ये सेकंड लूप के लिए है, यही किरचॉफ का नियम है। और जब हम दोनों इन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें धारा का मान किसी भी लाइन में मिल जाएगा। और हाँ, ये एक किस सिद्धांत पर आधारित है, ये है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित, मतलब कि एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, इस सेकंड लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पर डिपेंडेंट, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन पर ही आधारित है, आप समझ गए हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि देखो सेल लगाया हमने 2 वोल्ट का, अब इस लूप में कोई 4 वोल्ट इस थोड़ी विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, मैं 2 वोल्ट का सेल लगाया तो 2 ही वोल्ट तो बनेगा ना इस प्रपथ में, अगर प्रतिरोध एक ओम का लगा है तो धारा 2 ओम की बहेगी, क्योंकि इसको इसका इसका गुणा मिलके हमें 2 ओम बनाना है। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, इसको 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 इस वाले को देखें, मतलब लूप यही पूरा कंसीडर करें पहला, तो हमें ईएमएफ को इसका और इसके गुणनफल के बराबर बनाना है, क्योंकि हमें एनर्जी कंजर्वे, एनर्जी तो कंजर्व है, हमें क्या लगाना है एनर्जी कंजर्वेशन का नियम, तो यहाँ पर इसका ये 2 वोल्ट का है, इसका 2 वोल्ट का है, तो यहाँ पर भी तो 2 वोल्ट ही क्रिएट होगा, 3 वोल्ट थोड़ी क्रिएट हो जाएगा, बस इसी नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे बहुत ही आसान वे में, तो वीडियो को एंड करते हैं। तो हम अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, और अपना गुड बाय।